मेरा फर्स्ट हिंदी फिल्म है और ये 90s के बैकड्रॉप पे है। ये चट्टान जो अभी आप लोगों ने देखा ये पार्ट वन है, इसका पार्ट टू जो है वो 2016 की कहानी है और ये 90s की कहानी है। और ये कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की, उसके परिवार की, और पुलिस मैन जितने होते हैं मध्य प्रदेश के बैकड्रॉप पे है। तो पुलिस वाले अपने ड्यूटी के साथ साथ अपने फैमिली को कैसे संभालते हैं, उनके फैमिली में क्या क्या होता है, वो इसका कंटेंट है। और टोटल फैमिली बेस्ड फिल्म है, जो आप लोगों ने, बहुत दर्शकों ने ये बोला है कि काफ़ी 20 साल के ऊपर हो गया कि हिंदी फिल्म में कोई राखी का कंटेंट नहीं, रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन ही हमारी फिल्म का मेन कंटेंट है, उसी से कहानी। और टोटल फैमिली फिल्म है, नो गाली गलौज, पूरे परिवार के साथ आप थिएटर में देख सकते हैं, तीन पीढ़ी साथ बैठ के, बगले नहीं झांकनी पड़ेगी। ये फिल्म एक्चुअली 90s बेस्ड है, सो एवरीथिंग जो शूट हुआ 90s के हिसाब से शूट हुआ, बॉडी लैंग्वेज, कपड़े एंड द रोल, एवरीथिंग। तो उस हिसाब से काफ़ी डिफरेंट था। निर्देशक इस फिल्म के, हम क्या करते हैं कि किस तरह का माहौल जब शूट हो रहा था, तो ऐसा अनुभव बताइए जो यादगार बन गया हो उसके दौरान। निर्देशक तो सेट पे और नेचुरली वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनको जो चाहिए वो चाहिए। डायरेक्टर के बारे में, डायरेक्टर ने मुझे कांटेक्ट किया था एक दूसरे रोल के लिए एक्चुअली, एंड देन कुछ दिन पहले बिफोर द शूट मुझे कॉल किया और बोला आई वांट यू टू प्ले द मेन रोल, व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स आई गॉट टू प्ले द मेन रोल। सोशल मैसेज किस तरह सोशल मैसेज इस कि अपने देश, अपने समाज के लिए सबको सोचना चाहिए, अपने परिवार के साथ साथ। यस, सेम थिंग, अ लॉट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर है एंड बेसिकली अबाउट ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। थैंक यू। ऐसा है, ये पुलिस के ऊपर स्टोरी है, तो आपको अभी ट्रेलर लॉन्च में शायद आप नहीं आए थे, पता नहीं, मोहन तो था, तो ये पुलिस के ऊपर स्टोरी है और ये मध्य प्रदेश के बैकड्रॉप में कहानी है, कहानी मध्य प्रदेश के बैकड्रॉप में। तो पुलिस जो ड्यूटी में होते हैं पुलिस स्टेशन में, उनकी फैमिली पे क्या गुजरती है, फैमिली की क्या सैक्रिफाइस होती है, जो कोलीग्स होते हैं आपस में उनका क्या रिलेशन रहता है, कौन किसके लिए सैक्रिफाइस करता है, किस लेवल पे जाके करता है, और उसमें बॉन्डिंग कितना रहता है। तो अमूमन क्या वो दिखाया जाता है, पुलिस ऐसे करप्ट है, रिश्वत ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसमें वो चीज़ है, लेकिन वो एक छोटा सा पार्ट है कहानी की। बेसिक चीज़ है कि जितने पुलिस वाले इसके अंदर है स्टोरी के अंदर, वो आपस में किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एंड उनके फैमिली एक दूसरे के फैमिली से किस कदर रिलेटेड है, और अल्टीमेटली एक फैमिली के लिए दूसरी फैमिली क्या सैक्रिफाइस करती है, लास्ट टिल एंड आखिर तक क्या सैक्रिफाइस जाती है, और उसको कैरी करना लंबे समय तक, एक चीज़ को संभाल के रखना। ये पार्ट टू में, इसका दूसरा पार्ट भी है, ये पार्ट वन है, इसका सिक्वल पार्ट टू है, तो वो उस पर सारी चीज़ वहाँ जाएंगे तो आपको पूरी तरह से वो भी क्लियर हो जाएगा। ने आवाज दी इस फिल्म में, जी में, और जी, से जी। दोनों के बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो नाम से, अपने नाम से मशहूर है, दोनों अपने अपने नाम के धनी लोग हैं। शानुदा के बारे में मैं क्या कहूँगा, शानुदा को पूरा वर्ल्ड जानती है, तो फिर मैं अब अलग से क्या बोलूँगा। हाँ, लेकिन इतना कहूँगा ज़रूर, ये गाना जब मैं लेके गया शानुदा के पास, तब शानुदा बॉम्बे में ही थे, ये 2015 में रिकॉर्ड हुआ ये गाना, बीच में 6 साल गया, तो पहले बोली ये गाना तो पुराना लग रहा है, खुश हुए, लेकिन बोलते ये ताबी के जैसा नहीं है, तो पुराना है। तो मैंने उनको बताया कि दादा ये सब्जेक्ट ही पुराना है, 90 का सब्जेक्ट है, तो इसीलिए गाने ऐसे हैं। तो फिर बोले फिर तो इसको 90 स्टाइल में गाना पड़ेगा, तो मेरी आवाज़ तो अभी उस वैसा रहा नहीं है, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं बोला दादा अभी आप अपने हिसाब से गाइए, मैनेज जो करना है टेक्निकली जहाँ तक हो सकता है करेंगे। बट मज़े की बात है, जब गाना करने आए, उनका ही स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, तो पहले दिन गाना वो जिस तरह वो करना चाह रहे थे उनसे नहीं हो रहा था, वो पता नहीं होता है ना, वॉइस कभी ऊपर नहीं चलता, वो खुद पे गुस्सा हो गए, बोले आज मैं करूँगा नहीं, मैं इसको कल आके करता हूँ। पहले दिन थोड़ा ट्राई किया, नहीं हो पाया, छोड़ के चले गए। नेक्स्ट दिन आए, नेक्स्ट दिन जब वो आए, जब माइक पे गए
तो मुझे वो कुमार शानू मिले जो 90 में हुआ करते थे, और टोटल 48 मिनट्स के अंदर ये दोनों गाने का मेल पार्ट जो है उनके हिस्से दो गाने का उन्होंने 48 मिनट्स में दो गाने का मेल पार्ट कंप्लीट किया विथ ऑल टेक रिटेक्स वट एवर। तो मुझे वो एक घंटा मतलब 50 मिनट मुझे कुमार शानू वो मिले जो 90 वाले कुमार शानू होते थे वो मिल गया मुझे, और आवाज़ भी इसीलिए उस हिसाब से आई। मैनेज सर ऐसा है कि मैनेज करना पड़ा, क्योंकि जब ये काम मैंने शुरू की थी तो मुझे सबने बोला था, तो बोले आपका दिमाग ख़राब हो गया क्यों, बोले यार ये पुरानी स्टोरी है आजकल ये सब चलता नहीं है, कौन देखता है, कोई जाता नहीं है, ये सब फालतू है, मतलब टोटली सबने बोला ये बकवास है, ये मतलब नहीं, कोई इसका अर्थ नहीं है, पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो जब राय ऐसा मिले तो काम लेके जाऊं किसके पास, और मार्केट में जो सीनियर्स हैं वो लोग आजकल कोई नहीं है, ये सब पुराने ज़माने का काम करना है तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आर डी बर्मन या कल्याण जी, आनंद जी भाई या जो भी सीनियर हैं उनमें से आर डी बर्मन है नहीं, प्यारेलाल प्यारे भाई जिंदा है, लक्ष्मीकांत जी गुजर गए, भाई जी लोग कल्याण जी आनंद जी भाई का भी वही दिशा है, तो कोई करते नहीं काम, कोई है ही नहीं। तो मैं बोला अभी ये काम लेके मैं जाऊँ किसके पास, तो मैं कोशिश की बहुत, तो मैं कल्याण जी भाई के पास गया पेडर रोड में उनके सिटिंग रूम में उनके पास, तो उन्होंने बिजू शाह जी के पास मुझे भेज दिया, रास्ते के उल्टी साइड में सिटिंग रूम है, बोले मैं तो बेटा करता नहीं आजकल, आप बिजू से मिलो वो कुछ करेगा आपके लिए। तो बिजू जी के पास गया, उन्होंने मेरी पूरी सिचुएशन सुनी, तो बोले सुदीप जी एक बात बोलूँ आपको, बुरा मत मानिए, हम बोलिए सर, बोले आप जो ढूंढ रहे हो वो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग क्यों सर, तो मुझे लगा शायद पल्ला झाड़ने के लिए बोल रहे हैं कि भाई उनको नहीं करना है, बड़े लोग हैं। बोले नहीं ये जो आप ढूंढ रहे हो ना, ये जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा मतलब मेरे फादर, वो लोग करते थे, हम लोग आजकल मैं ऑर्डर सप्लाई करते हैं कि प्रोड्यूसर सीडी लेके आता है, ये बोलते हैं ऐसे तो बना दो, हम बना देते हैं, तो आप एक काम करो, ये काम आप खुद करो। मैं बोला सर मैं कहाँ से खुद करूँगा, मेरे को कुछ आता ही नहीं है म्यूजिक का। बोले नहीं आप जो ढूंढ रहे हो ये आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ कोई नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते ये चीज़, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ गया, हम लोग को फरमाइशी काम कर करके हमारे चॉइस टेस्ट सब खत्म हो चुका है। तो सर, मुझे सर पुराने गाने में काफी यादें दिखाई जाती हैं जो वक्त शूट के दौरान अभी भी यादें आती हो। नहीं तो वही मैं उनके सवाल का जवाब में ही सारी जवाब छुपे हुए हैं। तो मुझे लगा वो पल्ला झाड़ने के लिए मुझे मतलब भगाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई आप कर लो, बट उन्होंने सीरियसली बोला कि आप डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ आप खुद ट्राई करो। मैं सर मुझे कुछ नहीं आता। बोले आपको कुछ भी ज़रूरत हो टेक्निकल इसके लिए आप मुझे फ़ोन करना। तो मैं आ गया वहाँ से, आने के बाद मैं सोचने लगा भाई गाना मैं कैसे बनाऊँ, मुझे तो आता जाता ही नहीं। तो मेरा जो पुराना अरेंजर है शुरू से जब मैं डबिंग फिल्मों के काम करता था, डबिंग फिल्म में गाने करने पड़ते थे, कमल सिंह बुनावत है, कमल बहुत गुणी लड़का है, तो कमल को मैं फ़ोन किया, हमने कमल यार क्या करें, बोले दादा आप कुछ बनाओ तो फिर मैं देखता हूँ कोशिश करता हूँ। फिर मैं स्क्रैच ट्यून व्यून बना के उसको भेजता गया व्हाट्सअप में, उसने उसको बराबर ठीक ठाक करके कहाँ टेक्निकली गड़बड़ है, रिदम गड़बड़ है, क्या स्केल का प्रॉब्लम है, उसने उसको बराबर करके फिर एक पूरे गाने बने। और गाने में कोई लिरिक नहीं था, मैंने ऐसे ही कुछ भी बलता था बोल बाल के उसको तैयार किया, मैंने म्यूजिक को बनाया पहले, फिर उसने अरेंजमेंट की, बेसिक ट्रैक बनाया, फिर गाना खुल गया, फिर सीरियसली उसको मैं मीटर में लिख के गाना रेडी किया। तो ये जो गाने आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे है, बिजू शाह जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने अगर इंसिस्ट नहीं किया होता तो मैं कर नहीं पाता। और इसके बाद ये पूरे गाना जितना भी आए मेरे गाने, इसका टोटल क्रेडिट टोटल कमल को जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा झेला उसने ट्रैक से लेके अरेंजमेंट से लेके सारी चीज़ बैलेंस करे। कमल कांदिवली रहता है, बट अभी कोरोना की वजह से वो उज्जैन का रहने वाला, वहाँ शिफ्ट हो गया फैमिली लेके, बट कमल स्पेशली इस काम के लिए कल रात को आया है इधर बॉम्बे में, कमल होगा इधर ही कहीं, हाँ तो मैं उसको बुलाना चाहूँगा, आ जाओ कमल। लड़का है और इनके पिताजी बहुत मशहूर म्यूजिशियन है, नाम बताओ उनका। मोहन सिंह जी। जो ये बताइए जो सपोर्ट मिला है सर से, और क्या खास आपको नजर आया कि प्रोजेक्ट में आपको जुड़े, जैसी फिल्म बनी वैसे इनके गाने भी, और गाने का तरीका भी वैसा ही जो 90s का था, और मैंने भी कोशिश हुई कि 90s में जैसे गाने होते थे वैसे ही उसका अरेंजमेंट भी हो, वैसा ही सब कुछ। चुनौती लगी आपको करने में कि इस तरह से 90s का वो? बस कोशिश की वैसे करने की, तो सबको पसंद आया, बोला हाँ ऐसे।
मुझे वो उसके बिना गाना ही नहीं बनता, तो आपको मैं वही तो बताया पहले कि वो नहीं होता तो, क्योंकि मैं बेसिकली मुझे म्यूजिक का कोई नॉलेज नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से टेढ़ा मेढ़ा करके ट्यून बना लेता हूँ और लिख सकता हूँ, लेकिन उसका जो टेक्निकलिटी है ना, गाना एक गाना बनाना मजाक का ही नहीं, कौन सा राग कौन सा लय कौन सा ताल कौन सा क्या, वो मुझे कुछ मेरे को सारे गमा मालूम नहीं, तो वो सारे झमेले इसके कंधे पे रहता है। मैं कुछ भी, मैं कहीं बैठा हूँ दिमाग में आया कुछ बना लिया, उसको भेज दिया हमने, देखिए ये बनाया क्या करना है, वो फिर बोलता है दादा यहाँ पे सरगम का थोड़ा गड़बड़ है, आप गड़बड़ मतलब मुझे दोष नहीं देता, वो अपनी गुण से उसको कवर करता है, बोले नहीं दादा इसको थोड़ा बेटर कर, बेटर करना मैं समझ जाता हूँ कि मेरी मिस्टेक है कहीं पे, वो मुझे ये नहीं बताता कि आपने गलत किया है कुछ टेढ़ा मेढ़ा किया है, वो बोलता है कि इसको बेटर करेंगे, करके जो एक्चुअली होना चाहिए वो करके देता है। रिलीज प्लान 25 फरवरी का था, अभी हैदराबाद हमारे बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर और बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर प्रवीण जी आए थे, तो बिहार में तो सिनेमा हॉल बंद है बता रहे हैं, दिल्ली में बंद है, तो हैदराबाद बोला अभी रुक जा थोड़ा नॉर्मल होने दे, फिर एक साथ करेंगे प्राइम टेरिटरी इंडिया का जो है, क्योंकि इसका 4 साउथ इंडियन डब लैंग्वेज वर्शन भी है। ओटीटी कोई टारगेट नहीं है, हर हाल में फिल्म थिएटर में पहले आएगी, ओटीटी का कोई लेना देना नहीं, ओटीटी बाद में देखेंगे। इसका पार्ट 2 है वो भी 70% कंप्लीट है, वो अभी पकड़ूंगा मैं, पार्ट 2 से रिलेटेड बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, सिंगर्स हैं एक्टर्स हैं, तो उनको भी आपके सामने लाऊंगा मैं अभी। हाँ प्लीज, तो इसको इसको छोड़ू फ्री करूँ बच्चे को, हाँ मैं करता हूँ, थैंक यू कमल। अच्छा मैं इसमें एक आदमी को और बुलाना चाहूँगा, बैठ, आपको ये जो दिख रहा है चारों तरफ ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है ना, तो इसके पीछे एक आदमी का बड़ा मेहनत है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, तो वो आदमी आप लोग आपके सामने आना चाहिए, जमाने को पता चलना चाहिए कि आदमी सब करता है, उसका नाम वाम कहीं आता नहीं, उसका चेहरा भी नहीं आता, उसको कोई पहचानता भी नहीं, और पहचानता है तो इंडस्ट्री के लोग पहचानता है, ऑडियंस को पता नहीं रहता, हम तो पोस्ट डाल देते हैं कि ये डिज़ाइन ये होर्डिंग ये बैनर ये रहते, वो बनाता जो है उसको तो आप लोग भी करते नहीं, मीडिया वाले पता नहीं क्यों नहीं करते, आप लोग स्टार और बड़े लोगों के पीछे रहते हैं, जो टेक्नीशियन है उनके पीछे आप लोग जाना चाहिए, आप लोग नहीं जाते। प्रशांत दादा है यहाँ पे, आप प्लीज उनको इधर भेजिए। ये प्रशांत दादा है, प्रशांत शर्मा जी, ये बेसिकली विश्वभारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी से आर्ट कल्चर का डिप्लोमा करके बॉम्बे आए थे एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, उन्होंने काम शुरू की थी चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ, और बहुत साल पहले 2004-5 की बात है, अभी तो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं बहुत पहले, अभी वो अपने आप में डिज़ाइनर तो है ही, वो आर्ट डायरेक्टर भी है, वो डायरेक्टर भी है, उन्होंने काफ़ी काम कर रखा है। अब इनसे संबंधित जो भी सवाल है ये इनसे ही डायरेक्ट पूछिए, जवाब ये देंगे, इनका एक कहना था वो भी वो बताएंगे कि इनका जो काम है प्रोफेशनल जो डिज़ाइनिंग का जो भी लोग हैं उस बारे में इनका अपना राय है, तो वो राय इनसे पूछिए बेहतर बताएंगे आपको कि उनका राय क्या है। सर आप बताइए कैसा अनुभव था सर से जुड़ा हुआ आपके प्रोजेक्ट के लिए, कैसा अनुभव था? हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और अच्छा है, एक घर का जैसे रिलेशन है, और सबसे बड़ी बात है आज मुझे यहाँ पे बुलाया इसका बहुत बड़ा हाथ, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, पब्लिसिटी डिज़ाइनर को उस तरह से कोई सामने नहीं आता, आज तक आप लोगों ने बहुत फिल्म देख चुके हैं, फिल्म रिलीज होने से पहले पहले पोस्टर आता है, पब्लिसिटी डिज़ाइन छोड़ के कोई चीज़ नहीं आता, लेकिन आज तक आप कोई भी फिल्म का पब्लिसिटी डिज़ाइनर का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन मेन पार्ट है वही, आपको तो फिल्म बाद में दिखेगा, पोस्टर पहले दिखता है, लेकिन उस पोस्टर को कौन बनाया किसी को पता नहीं होता, तो सुदीप मुझे आज बुलाया नहीं दादा, ये तो आप डिजर्व करते हो, होना भी चाहिए, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरे से जितना हो सके आपको भी तो करना ही चाहिए, जमाने को पता चलना चाहिए। बहुत अच्छा इंसान है, सबसे बड़ी बात है इंसान बहुत अच्छा है, और इसने भी बहुत स्ट्रगल करके इस जगह तक आए, हम लोग भी हम लोग एक साथ स्ट्रगल किया, तब वो भी उनका भी स्ट्रगल टाइम था, मेरा भी स्ट्रगल टाइम था। आर्ट डायरेक्टर तो ठीक है, लेकिन पब्लिसिटी डिज़ाइनर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा जगह है, आपके फिल्म में कौन हीरो है कौन हीरोइन है वो बात की बात है, पहले पोस्टर आता है, आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जाएंगे चैनल के पास भी जाएंगे पहले पोस्टर दिखना चाहिए,
लेकिन उस पोस्टर को किसने बनाया किसी को पता नहीं है, लेकिन आज के टाइम में डिजिटल हो गया सब, तो कितना किसी को पता नहीं है। आप जानते हो शोले का पोस्टर किसने बनाया? नाम जानते हो किसने बनाया? लेकिन शोले इतना बड़ा हिट है, उस पोस्टर को देख के थिएटर में जाते हैं। डीडीएलजी का पिक्चर किसने बनाया पोस्टर आपको पता है? नहीं पता। तो यही प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बाद भी हिस्सा नहीं है ये लोग। ऑब्वियसली ना इनका तो कहना भयंकर है, इनका कहना है कि जो आर्ट डायरेक्शन और जो डिजाइनिंग करते हैं इनका अलग एक एसोसिएशन होना चाहिए जो उनका इंटरेस्ट देखे। इनका कहना है, बोलता है मेरे पास अगर कोई कभी मेरे पास पावर आया और मैं कुछ कर पाया तो मैं तो सबसे पहले यही काम करूंगा, इनका कहना ये है। तो आज क्या आप कुछ अपील की जगह एक चीज है आपको? नहीं, ये होना चाहिए आपके। देखिए आप कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी फिल्म उठा कर देख लीजिए, आप इंडस्ट्री में हर चीज़ का अवार्ड है। इधर तक VFX जो करता है उनको भी अवार्ड मिलता है, लेकिन एक पब्लिसिटी डिजाइनर को कोई अवार्ड नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं देते। आजकल तो आप लोगों को बोलना चाहिए, आजकल तो मोबाइल में भी डिजाइन बनने लग गया है, सब हर कोई डिजाइनर है अभी तो। आजकल डिजाइन मोबाइल में ही बन रहा है, तो मोबाइल का डिजाइन और प्रॉपर वे में डिजाइन बहुत फर्क होता है उसमें। थैंक यू दादा, गॉड ब्लेस यू। आप बताइए और क्या पोस्टमार्टम है, याद है किसी को? नाना पाटेकर वाले हेमचंदर डायरेक्टर थे, उनकी पहली फिल्म। तो उसमें चार एक्टर हैं, नाना पाटेकर, मदन जैन, सुहास पड़सीकर और चौथा जो है अर्जुन चक्रवर्ती है, जो गोरा सा लड़का जो मारामारी करके पकड़ा जाता है फिर बाद में मारता है ले जाके तोड़ताड़ करता है, ये वही है इंजीनियर जो है, और जो उसका नाम भी अर्जुन है उसमें, और उसी की वजह से चारों फाइट जो होती है उसी की वजह से होती है, तो ये वही है। तो ये बंगाल इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश है, यहाँ से शिफ्ट हो गया था, फैमिली प्रॉब्लम था। हालांकि इन्होंने हिंदी में काम काफ़ी कर रखा है, उन्होंने क्या क्या किया दादा आप अपने मुँह से बताइए, वो मुझे तो जानकारी। बात ये कि ये मेरा जूनियर है, जूनियर इन द सेंस कि जब मैं असिस्टेंट था, मैं गुलजार साहब का असिस्टेंट था, ये प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट थे, तो तब से हमारी जो संगत है वो चली आ रही है। उसके बाद मुझे यहाँ फिल्म की, मैंने लिबास नसरुद्दीन शाह शबाना आजमी के साथ, ज़रा सी ज़िंदगी कमल हसन के साथ, के बालचंद्र जिसके डायरेक्टर थे, और उसके बाद अंकुश आई, उसके बाद अंगूर में एक छोटा सा रोल था संजीव कुमार के साथ, मृणाल दा का नाम सुना है? मृणाल सेन का, मृणाल दा मुझे कलकत्ते ले गए और वहाँ से मुझे लौट के आना नहीं पड़ा, बिकॉज मैंने कुछ 8 फिल्में साइन की एक हफ्ते में बंगाली। उसके बाद मैंने 117 फिल्म बतौर हीरो के बंगाली की, गाने गाए मेरे 13 एल्बम्स हैं, CV बहुत हैवी है। लेकिन बहुत ज़रूरी है, पहली बात तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जिसकी ज़बान साफ़ है, जो हिंदी बोल सकता है, जो हिंदी में ख्वाब देखता हो या उर्दू में ख्वाब देखता हो, उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि बॉम्बे आए। अगर मेरे साथ ऐसा था कि कोई बुलाएगा तो आऊँगा, एक छोटा सा ईगो होता है ना आर्टिस्ट का, कुछ भी समझ लीजिए, फितूर समझ लीजिए कुछ भी, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे उतनी पैसे की तंगी नहीं है कि मैं मारा फिरूँ। तो सुदीप जो है ही विकेम ए कैटलिस्ट, वो मुझे पिछले 7 साल से लगातार धक्का मुक्की नॉक करते हैं ना नॉक, पिछले 7 साल से कम हर रोज़ तो नहीं 2-3 दिन अंतर एक बार इससे बात होती है। तो अब की बार इसको मौका मिला और उस मौके को उसने हाथ से जाने नहीं दिया, उसने मुझे बुलाया। मेरे ख्याल से चट्टान 2 में मैं हूँ। हाँ, अभी वही उसी भी आ रहा हूँ, चट्टान 2 में मैं इनको बोला दादा ये बोले अरे अमल आप आइए, आने से पहले भी फ़ोन आया, बोले यार वहाँ बोलता है बहुत इन्फेक्शन हो गया, यहाँ लोग मना कर रहे हैं, अमल दादा आना है आइए, नहीं तो आगे आपकी मर्जी, मैं क्या बोलूँ, या अल्टीमेटली आ पहुँचे आए। अभी क्या है चट्टान 2 में 2 करेक्टर ऐसा है जो पुराने जितने करेक्टर है उसके साथ 2 नया करेक्टर उसमें आता है कहानी में, एक विलन की तरफ से है जो साउथ के मशहूर एक्टर है चरण राज, वो कर रहे हैं,
और एक करेक्टर ऐसा जो हीरो की तरफ से है, एक मिलिट्री मेजर है आदित्य नारायण, वो मिलिट्री मेजर का रोल दादा कर रहे हैं, बहुत अलग टाइप का करेक्टर, वो गेटअप बेटअप है थोड़ा। तो उसके बाद दादा को मैं बोला, दादा पहले आप एक बार शुरू करो। बोले यार अब करते हैं, हमने नहीं नहीं आप आइए, आप घुसिए पहले। तो उससे दादा की अभी शुरुआत, दादा को मैं पकड़ के लेके आया हूँ, अभी दादा पहले चट्टान टू में घुसेंगे। उसके बाद मेरी दो फिल्म है, अग्निजुद है और जिघांसा है, जिसमें दादा है। अग्निजुद में जीत भी है साथ में, जीत या जीत इसमें हीरो है, चट्टान टू में भी जीत हीरो है। उसमें दादा जैसे जीत इसमें हीरो है, दादा इसमें साइड से एंट्री मार रहा है स्पेशल अपीयरेंस। तो उस दो फिल्म में जीत का स्पेशल अपीयरेंस है, बड़ा रोल है लेकिन उसको फुल फ्लेज रोल नहीं है, मतलब अब हीरो नहीं बोल सकते, लेकिन रोल बहुत दमदार तगड़ा रोल है। तो उसमें दोनों में जीत का स्पेशल अपीयरेंस है, क्योंकि क्या है मार्केट में जो तथाकथित बड़े सब स्टार एक्टर हीरो हीरो बोला जा रहा, जिनको लोग पूछते हैं ना कौन हीरो है, हमारे इसमें तो ऐसा कोई है ही नहीं। तो हमारे पास ये दो जन है, एक थोड़ा सीनियर, एक मेरे दोस्त हैं। तो मेरा अभी जो कुछ जितने मैं काम अभी कर रहा हूँ, 7-8 जो भी काम है मेरा, सारे में यही दो को लेके चल रहा है। किसी में ये हीरो है ये स्पेशल अपीयरेंस, किसी में ये हीरो है तो वो स्पेशल अपीयरेंस, मतलब मैं मेरा ट्रैक मैंने फिक्स कर लिया, मुझे उसके बाहर जाना ही नहीं है, एक्चुअली मुझे जाना भी नहीं चाहूँगा। जी नहीं, मेरे लिए तो प्रॉब्लम ये है कि मैं इनको बंगाल इंडस्ट्री का समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनको पहली बार जब मिला बॉम्बे में मिला, और हिंदी एक्टर के हैसियत से मिला, तब इनके झोली में एक भी बंगाली फिल्म नहीं थी, जो भी थी हिंदी के ही फिल्में थी। और दूसरी तो, बात है कि मेरी राजस्थान की पैदाइश है मेरी, इनकी जुबान साहब है, क्योंकि बंगाल से पैदा नहीं हुए, वो राजस्थान में पैदा हुए, तो हिंदी का इनका प्रॉब्लम है नहीं, हिंदी उर्दू दोनों ही, तो उर्दू लिखते भी है, आपको आपने बताया ना, मैं उर्दू लिखते भी लिखते पढ़ते हैं। तो मैं बोला भाई ये आदमी बॉम्बे में होना चाहिए, और वो हमसे सीनियर है, वो अलग लॉबी से सेट थे, तो मुझे लगा भी मैं छोटा मोटा आदमी, मुझे कौन पूछेगा। तो मैं जब इनको बोला, बोले तू कोलकाता आएगा तो मिलना, मैं गया मिला। तो तब से लगे हुए लगे हुए लगे करते करते आज ये हमारे बीच आ पहुँचे। तो अभी चट्टान टू में इनको आप देखेंगे दोबारा हिंदी में, वापसी के हिसाब से फिर आगे जो भी काम होता जाएगा, आप तो आप लोग सब तो होंगे ही साथ में, सारे हिंदी है, बंगाली फिल्म में मैं बंगाली फिल्म बंगाली करना होगा तो मैं बंगाल से यहाँ आता ही नहीं, मैं वहीं रहता, फिर यहाँ आने के बाद बंगाली, हाँ बंगाली फिल्म करना जरूर चाहूँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बंगाल में माहौल बहुत अजीब ही हो गया, अभी क्रिएटिव फील्ड भी बहुत अजब तरीके से चीज़ों से गुजर रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा पॉलिटिकली बहुत बिगड़ा हुआ है सारी चीज़, तो थोड़ा माहौल ठीक हो जाए तो फिर कोशिश करेंगे। बेसिकली हूँ बंगाली तो बंगाल में तो जाऊँगा ही, बट अभी नहीं, अभी तो सब हिंदी फिल्म है। पूछिए पूछिए कुछ और पूछिए। सर यही पूछना चाहूंगा कि आप जो एसोसिएशन सर से क्या कहना चाहेंगे, ये प्रोजेक्ट के बारे में पर्टिकुलरली क्या कहना चाहेंगे, ये प्रोजेक्ट है कितना डिफरेंट मानते हैं, और गाने भी काफी अच्छे हैं। मुझे तो बड़े अच्छे लगे गाने, क्योंकि मैं खुद गायक हूँ, मैं गाता हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, और स्पेशली कुमार शानू जी ने तो बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है, जीत वॉज फैंटास्टिक, रजनी का वॉज वेरी गुड, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, ये मेरे दिल की बात। अभी गाने में डायरेक्शन कहाँ नज़र आता है, लेकिन मैं इसे बात करके समझ सकता हूँ कि इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। एक चीज़ डायरेक्टर की होती है कि वो जो चाहता है वो समझा सकता है कि मुझे क्या चाहिए, ये उसके अंदर कुव्वत है, ये हुनर हर डायरेक्टर में होना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूँ, तो वो अगर समझा सके एक एक्टर को तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब आएंगे कैमरे के सामने और ये कैमरे के पीछे जाएंगे तो और भी समझ में आ जाएगा, लेकिन वो पूत के पग पालने में नज़र आते हैं वो वाली बात है कि उससे बात करके लगता है कि ही कैन डू इट। और कुछ कोई, मोहन किधर गए, मैं उठ जाऊं? नहीं नहीं आप उठिए बैठिए, अरे क्यों उठेंगे भाई, और कुछ हूँ मैं। एक बार आज से 1.5 साल पहले मुझे एक OTT प्लेटफॉर्म से फोन आया था कि बोला भाई आपके पास दो पिक्चर है, दो पार्ट में है ना फिल्म, तो हमें दे दीजिए दो पार्ट। तो मैंने उनको यही बोला था कि देखिए फिल्म आपको बेशक देंगे लेकिन अभी नहीं, फिल्म थिएटर के रिलीज होने के बाद। तो मुझे बोला अभी थिएटर का कहाँ, अब तो सब ये हो गया वो हो गया बंद हो गया। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर 500 थिएटर बचा रहेगा, सब बंद हो जाता है अगर, टोटल 500 भी बचा रहेगा
तो फिल्म पहले थिएटर में ही आएगी, उसके बाद जो होगा बात की बात है। फिल्म थिएटर के बिना मैं रिलीज नहीं करूंगा। सर, जो प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? क्योंकि अब प्रोड्यूसर देख रहे हैं, देखिए मैं सेल्फ मेड प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पीछे मेरे को प्रोड्यूसर बनना पड़ा, मैं डायरेक्टर भी हूँ। तो क्या है भाई, आपका अपना जो सोच है ना, अपनी सोच को अगर आपको कारगर करना है तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मुझे ये करना है। अभी देखिए OTT का जमाना है ना, आज बड़े से बड़े स्टार कोई मना नहीं करता कि मेरा फिल्म OTT में ना जाए, बड़े से, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपके सामने दुनिया भर के एग्जाम्पल पड़े हुए। मैं छोटा मोटा आदमी, मेरे अंदर उतना हिम्मत आज भी है कि मैं OTT में जाना ही नहीं चाहता हूँ, मेरी फिल्म पहले थिएटर में ही जाएगी, उसके बाद OTT में जाना हो तो तय बात है डिजिटल मीडिया OTT में जाएगी, लेकिन फिल्म रिलीज पहले थिएटर में ही होगी। और इसके 4 लैंग्वेज है साउथ इंडियन डब वर्शन, वो भी पहले थिएटर में ही जाएगी, उसके बाद देखेंगे OTT जो होगा। Okay, क्यों, मूवी का क्या है सर, देखिए आपको कंप्लीट चीज़ बता दूँ, मूवी जो है फिल्म थिएटर के लिए होती है, मोबाइल में भी फिल्म देख सकते हैं, घर में TV में भी देख सकते हैं, सब जगह देख सकते हैं। थिएटर में जाके फिल्म देखना जो हिसाब होता है, वो फिल्म का असली रिस्पेक्ट वही है कि एक फिल्म थिएटर में पहले जाना चाहिए, थिएटर में रिलीज होना चाहिए, अच्छा बुरा ऑडियंस तय करेगा, लेकिन थिएटर तक ही ना जाए तो डिजिटल में कहीं चला गया उसमें देखेगा कौन, कोई नहीं देखता है। तो फ्री का माल तो है नहीं, पैसे लगते हैं, तो पैसे लग गए, पैसा डालने के बाद आदमी क्या करता है, सिलेक्टिव चीज़ देखता है। थिएटर में क्या, आपको ऑन द स्पॉट पहले 3 दिन में पता चल जाता है कि मेरी फिल्म का अंजाम क्या होने वाला है, 50 लोग देखते हैं, माउथ पब्लिसिटी होती है, बोलते हैं यार बहुत घटिया है मत जाओ, कोई बोलता है बहुत अच्छा है जाके देखो, तो धीरे धीरे वो होता है। और डिजिटल मीडिया एक भेड़ चाल बना हुआ है, आप कौन देखने जाता है कितना व्यू है, आपको पता है लगा 50 मिलियन व्यू है, मिलियन व्यू कौन देख रहा है, किसके पास है वो, किसको जानकारी है कहाँ 50 मिलियन व्यू है, पैसे देके होता है ना, आप लोगों को पता है ना आजकल बूस्टअप होता है, पैसे दिया जाता है, तो ओरिजिनल व्यू क्या है, वाकई में कितने लोग देख रहे हैं, तो वो तो जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन थिएटर में आप पकड़े जाएंगे, फिल्म चली नहीं चली आपका टिकट खिड़की जो कलेक्शन आएगा वो बता देगी आपकी फिल्म क्या चली है, वहाँ पे कोई धांधली नहीं कर सकते आप, छोटी फिल्म तो बिल्कुल नहीं कर सकती, बड़े लोग कर लेते हैं इधर उधर करके, बट हमारे जैसे छोटे कैटेगरी के लोगों का क्या है, नहीं होता ना, छोटे मीन्स जहाँ स्टार नहीं है तथाकथित बड़े लोग, छोटा तो खैर नहीं है लेकिन स्टार नहीं है तो फिर कोई गिनती भी नहीं होती ना, तो वो सिस्टम से थोड़ा बाहर आ जाना है, जरूरी नहीं कि एक आदमी हमेशा स्टार के साथ काम करे। थैंक यू। निर्माण इसलिए करना पड़ा, मैं सही बोलूं तो बहुत बुरा लगेगा बहुत लोगों को, मैं मध्यवर्गीय परिवार से हूं, तो हमारे इंडस्ट्री में जो चीज़ चलती है वो मैंने किया नहीं, मैं 90s से इस लाइन में हूं, तो आई एम वन ऑफ द डिप्राइव्ड वंचित कलाकार हूं टैलेंट होने के बाद भी, और यही हाल जीत जी का है, वो इतनी फिल्में करने के बाद भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, वो गुजरात के सुपरस्टार हैं, टैलेंट है, साउथ की फिल्में उन्होंने बहुत की, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप लोग अभी देख रहे हैं कि वंचित कलाकार को पीछे ढकेल दो। मेरा यही रहेगा, हर फिल्म में मैं वंचित कलाकार, चाहे वो सीनियर हो या नए हो, सबको मैं काम दूंगी, कलाकार टेक्नीशियन सबको, जो वंचित और टैलेंटेड होंगे। हाँ, एज अ डायरेक्टर उनका भी यही प्रॉब्लम है, सॉरी टू से डायरेक्टर है तो उसको बहुत कुछ करना पड़ता है जो उनको रास नहीं है, उन्होंने किया नहीं, उन्होंने कई फिल्में शुरू की तो कभी हीरो हीरोइन को लेके भाग जाता था, कभी कुछ होता था, ऐसा होता था, सारा यूनिट का ये उन पे आके गिरता था, तो उन्होंने बोला ऐसे करूँगा तो मेरा कैरियर बनेगा नहीं, तो फिर हम लोगों ने अपना शुरू किया, अपने हिसाब से काम करेंगे, परिवार की तरह, हमारी यूनिट में पूरा परिवार की तरह काम होता है। मुश्किल, आई बेसिकली बिलीव इन लक, एंड अगर लक इज राइट तो थिंग्स फॉल इनटू प्लेस। पर आपका निजी तौर पर क्या जो चैलेंजेस आपने फेस किया अभी तक, कि हां पे क्या बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ा टर्न आउट क्या हुआ आपके लिए, कि हां ये चीज यहां पर सब करने लगी, टीम पॉइंट जो कहते हैं वो क्या नजर आया? मैं बेसिकली लक में बिलीव करता हूं, एंड आई फील दैट अगर एक चीज क्लिक होती है तो हो जाती है, बस वही है। या कोई नहीं,
नेपोटिज्म मैंने कभी फेस नहीं किया। जब मैं 90s में आई थी, मुझे नेपोटिज्म नहीं मिला। मैं रांची जैसे छोटे शहर से आई थी तो मुझे नेपोटिज्म नहीं हुआ। उस समय मेरे को सारे बड़े प्रोड्यूसर्स ने साइन किए थे और वो फिल्में बाद में लोगों ने किया, मेरे टाइम की जितनी भी हीरोइंस थी, दिव्या भारती हो, ममता कुलकर्णी हो, और मैंने नहीं किया, मैंने छोड़ दिया जो कंडीशंस थे। तो मुझे ये कहा गया था कि आप पागल हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, लेकिन आज के टाइम पे दोनों नहीं है, मैं हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मुझे पूछना है। अच्छा, सॉरी, ये क्या है, बॉलीवुड बोलते हैं ना हम लोग, भाई साइलेंस प्लीज, पीछे जरा दादा गुप्तगु हो रही है, प्लीज थोड़ा साइलेंस, प्लीज साइलेंस। ये जो बॉलीवुड आप लोग बोलते हैं ना, मैं अपने आप को बॉलीवुड में काउंट नहीं करता। बॉलीवुड से बिग प्लेस, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। बॉलीवुड आपको अगर एंट्री देगी तो आप वहाँ घुस सकते हैं, और नहीं तो नहीं। तो जहाँ पे एंट्री अपनी मर्जी से ना हो वहाँ घुसने की कोशिश करना बेकार है। तो बेहतर है हम लोग हिंदी फिल्म बनाने वाले, मैं तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलता हूँ, तो वहाँ पे जिस सेक्शन में हमारा चलना फिरना ठीक ठाक है, स्मूथ है, हम उसी सेक्टर में रहते हैं, उसी दायरे के अंदर जो कलाकार, जो टेक्नीशियन, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काम करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। बॉलीवुड से हमारा कोई मतलब कोई चाहत नहीं है कि बॉलीवुड में जाके घुसना है, क्योंकि वो क्या, वो एक कैसा मालूम, सुपरफिशियल लॉब, वो अजब टाइप का चीज़ है, वो उसमें जाना सबके बस की रोग नहीं है, और उसमें जाने में उसके अंदर जाना है तो आपके अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता है। वहाँ अलग तरह का टेस्ट है, वो टेस्ट से गुजर के आपको वहाँ घुसना पड़ता है। तो भाई अभी अब बहुत स्ट्रगल हो गया लाइफ में, अब इम्तिहान विम्तहान जो देना है काम के साथ देंगे, अभी अलग जगह घुसने की प्रयास अब नहीं करना है। करते है, नहीं हमारे, बहुत डिस्ट्रीब्यूटर हैं, देखे ना अब दो आए हुए थे, तो पुराने लोग आज भी हैं जो सिंगल स्क्रीन चलाया करते थे, आज भी हैं वो लोग, बैठ गए क्योंकि उनके साथ कोई माए बाप नहीं है, उनको फिल्म कोई देता नहीं है, बड़े सब लॉबी सेट है, कॉरपोरेट है, तो वो 1,500-3,000-5,000 स्क्रीन वो फोन पे बुक हो जाता है। अभी ऐसा मतलब चल है, आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड आप लोगों से किसको पता है कि नहीं मालूम नहीं, अब जानकारी ले लीजिए। आप अगर फिल्म बिना देखे लेंगे तो उसका प्राइस एक रहता है। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने बोल दिया किसी टेरिटरी का कि भाई मुझे फिल्म देखना है, तो कॉरपोरेट वाले पहला जवाब ये देता है, फिल्म आप बेशक देखिए, 20-25 लाख एक्स्ट्रा लगेगा, फिल्म देख रहे हैं उसके लिए, उसके बाद आप ले हो ना लो अपनी मर्जी। आप समझ रहे हैं, फिल्म देख के लेंगे तो 25 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नहीं तो बिना देखे ले जाओ जो हम बंद करके दे रहे हैं। ब्रांड, बड़े स्टार, बड़ा मेकिंग, बड़े हाउस, सब बड़ा डायरेक्टर, सब बड़ा। अब आगे क्या होगा वो भगवान जाने, वो लेके लॉस करेगा नुकसान करेगा उसका किस्मत। तो बड़े चीज़ लेना है तो रिस्क टोटली आपका है, बड़े लोग बना के रिस्क नहीं लेंगे। वो कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु, और हमें कोई 100 करोड़ क्लब व्लब की कहानी नहीं है। मेन मुद्दा है कि फिल्म जो बनी है वो लोगों तक पहुंचे, लोग डिसाइड करें भाई अच्छा है बुरा है। हम अलग से कोई प्रेशर दे के, पैसा दे के वो यूट्यूब में लाइक बढ़ाना, बूस्टिंग नहीं करेंगे। मेरे 6 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन पे थे, ये सब कोरोना और इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। चट्टान 2 है, ऑलरेडी तैयार है, थोड़ा सा उसका बाकी है। चट्टान 2 इसके बाद, इसके 6 महीने बाद, फिर अग्नि युद्ध है, जिघांसा है और अंतराल है। आप समझ रहे, मेरे पास 12 फिल्म रेडी है, सब शूट करना है। जी जी, और मैं कर रही हूँ, मेरी टीम है जिसमें, जिस रोल में मैं शूट होंगी, साथ में मेरी सारी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं। मेरी, मुझे खुद से ज़्यादा, मुझे अपने फिल्म फीमेल एक्ट्रेसेस की चिंता ज़्यादा रहती है। कई लोग ये ना बोले कि खुद प्रोड्यूसर है तो उनका ध्यान नहीं रखती है। विषय, फैमिली कंटेंट, एक्शन और ऐसा। अब क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि हमें देखना है वो सब, हमें 600 कट वाली गाने नहीं देखने। 600 कट वाला गाना आपको पता है आँखों में बहुत लगता है, चुभता है, वो नहीं देखना है। तो मैं 600 कट वाली गाना कभी नहीं बनाऊंगी, नॉर्मल गाना। मैं आपको एक बात बोलूं, मुझे ना कभी फिल्म बनाते हुए प्रकाश मेहरा साहब का असिस्टेंट था, उन्होंने एक बात सिखाई थी मुझे कि मेकर कभी फिल्म
चलेगी कि नहीं इस डर से फिल्म बनाना बंद कर दिया तो फिल्म नहीं करनी है। फिल्म बनाना तुम्हारा काम है, बहुत नियत से प्यार से घुस के डूब के काम करो, नतीजा अच्छे से काम करोगे तो नतीजा अच्छा ही आएगा। तुम वो कैलकुलेशन करके जो कॉरपोरेट वाले करते हैं वो स्टाइल हमारा नहीं, हमारा स्कूलिंग सब ऐसे लोगों के साथ हुआ है, उनके हाथ के नीचे रख के काम सिखाए रह के, तो हमें सिखाया वही गया कि फिल्म मेकिंग इज़ ए पैशन। आप डूब के अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से फैमिली ऑडियंस को दिमाग में रखे अच्छे से अच्छा फिल्म बनाइए, उसको देखने वाले आज भी हैं। आप काम अच्छा नहीं करेंगे तो आप कितना भी उस पीछे जोड़ लगाइए वो अल्टीमेटली होना कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपने को डर नहीं लगता रिकवरी होगा नहीं, वो कभी आता ही नहीं दिमाग में। ओके थैंक यू, थैंक यू। मोंटर न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।